Hello friends, welcome to my channel Easy to Learn. In this video, we will study about the cardiomyopathy. Which is a disease in the cardiovascular system. So here we will discuss about its types, etiology, clinical manifestations, diagnostic evaluation and the managements. So let's discuss one by one without wasting any time. So this is the definition. It is a heart muscle disease associated with the cardiac dysfunction. इस disease में होता क्या है, ये एक heart muscle disease है. Muscles में dysfunction की वजह से cardiac dysfunction हो जाता है, overall cardiac dysfunction हो जाता है heart muscles की disease की वजह से. So it may be acquired or hereditary. ये हमें by birth भी मिल सकती है और ये acquired भी हो सकती है. That is हम इसे lifetime में acquire भी कर सकते हैं. किसी भी तरह हो सकती है ये हमें. And this condition makes it hard for the heart to deliver the blood to the body and can lead to heart failure. इस condition में होता क्या है, ये heart के लिए मुश्किल हो जाता है इस condition में पूरी body को blood deliver करना. पूरी blood body को अगर blood supply करना होगा तो heart को pressure ज़्यादा लगाना होगा, लेकिन इस condition में heart के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से heart failure की condition mainly देखी जाती है. Cardiomyopathy की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द कार्डियोमायोपैथी. सो देर आर टोटल 6 टाइप्स. फर्स्ट इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, सेकंड इज हाइपरट्रोफिक, थर्ड इज रिस्ट्रिक्टिव, नेक्स्ट वन इज अर्थमियोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, 5 इज अनक्लासिफाइड, 6 इज स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी. सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. Here, dilated cardiomyopathy. So, it is the most common form. It is the most common form mainly seen in the patients. Patients में ज़्यादातर यही देखी जाती है dilated वाली. So, form of also known as enlarged heart. हम इसको enlarged heart भी बोलते हैं इस condition में, क्योंकि heart है जो वो enlarged हो जाता है, उसका size increase हो जाता है. So, occurs when heart muscle are too weak to pump blood efficiently. ये कब होता है, जब हमारी heart muscles जो हमारी होती हैं, heart muscles जो होती हैं वो weak हो जाती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो blood को sufficiently प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं बॉडी को. नेक्स्ट इज द मसल स्ट्रेचेस एक्सपेंड द हार्ट चैम्बर्स. इसमें क्या होता है, जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, स्ट्रेच हो जाएंगी और क्या होता है, एक्सपेंड हो जाएंगी, हार्ट चैम्बर एक्सपेंड हो जाएंगी. नॉर्मली जो हमारा हार्ट चैम्बर होता है वो एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड होकर उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा. है ऐसे साइज इंक्रीज हो गया इतने से इतना. सो नेक्स्ट इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. अगर कोई अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. अगर किसी पेशेंट का ऑलरेडी कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी ये हो सकती है, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट, अगर कोई पेशेंट अल्कोहल ले रहा है उसकी वजह से, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो उसके वजह से भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकता है. नेक्स्ट इज द hypertrophic cardiomyopathy. So what happened in this? Heart muscle increase their size. इसमें क्या होता है, heart muscles अपने size को increase कर लेती हैं और अपने mass को increase कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, septum जो होता है, septum होता है जो हमारी heart muscle है, बीच वाली जो ये layer होती है ये septum होती है. So ये septum भी अपने size को increase करेगा और ये layers हैं ये भी अपने muscles का साइज और मास दोनों इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी. तो वेंट्रिकल्स का साइज का क्या होगा, वेंट्रिकल साइज डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल टेक लॉन्गर टाइम, ज़्यादा टाइम लगाएंगे रिलैक्स करने के लिए सिस्टोल के बाद. एंड दिस इज ऑफन जेनेटिक कंडीशन, मेनली ये जेनेटिक होती है, लेकिन इसके और भी कुछ कारण होते हैं, देख लेते हैं क्या क्या. इंक्रीज बीपी, अगर किसी का बीपी इंक्रीज रहता है ऑलवेज तो उसकी वजह से भी हाइपरट्रोफी की कंडीशन देखने को मिल सकती है. अगर कोई डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है तो उसको भी ये कंडीशन हो सकती है. थायराइड डिसऑर्डर्स अगर किसी को है तो भी हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी उसमें देखा जा सकता है. और एजिंग के साथ साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती ही हैं, सो एजिंग के साथ तो भी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी देखा जाता है. नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. इसमें क्या होगा, व्हेन द वेंट्रिकल्स बिकम स्टिफ, इसमें वेंट्रिकल्स स्टिफ हो जाएंगे और रिजिड हो जाएंगे, रिजिड और स्टिफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, द वॉल्स आर डू नॉट थिकन, वो थिकन नहीं होती हैं, बट
वॉल्स ऑफ डू नॉट थिकन, थिक नहीं होती हैं वॉल। पहले में क्या था कि जो ये वॉल्स थी ये थिक हो गई थी, ऐसे ये थिक हो गई थी ना, इसमें थिक नहीं होंगी, इसमें स्टिफ हो जाएंगी जैसे ही वो, लेकिन हार्ड हो जाएंगी, बहुत रिजिड हो जाएंगी। वेंट्रिकल्स कांट रिलैक्स, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स रिलैक्स नहीं कर पाएंगे टू फिल द ब्लड। एंड स्कारिंग कैन ऑल्सो लीड टू दिस टाइप, इस कंडीशन में स्कारिंग की कंडीशन भी देखी जा सकती है, दिस इज स्कार फॉर्मेशन ऑन द हार्ड मसल लेयर्स। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इट्स कॉजेज आर अमाइलोडोसिस, दैट इज इसमें क्या होता है, अमाइलोडोसिस में प्रोटीन डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर अगर किसी को है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। एंड सम कैंसर ट्रीटमेंट पेशेंट, अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कैंसर का चल रहा है तो भी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी देखा जा सकता है, कॉमन केस है इसके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज अरिथमियोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी। इन द अरिथमियोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी दिस इज वेरी रेयर कंडीशन, बहुत कम देखने को मिलती है ये कंडीशन। एंड इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यंग एथलीट्स, जो एथलीट्स होते हैं ना उनमें ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, डेथ की कंडीशन ज़्यादातर इसी कंडीशन की वजह से आती है एथलीट्स में। नेक्स्ट इज दिस कंडीशन रिजल्ट्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ मायोकार्डियम, इसमें क्या होगा, जो मायोकार्डियम लेयर होती है हार्ट की उस वाली लेयर में ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा विद द टाइम एंड इंक्रीज, मतलब मायोकार्डियम लेयर का जो ब्रेकडाउन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा विद द टाइम। एंड द रिस्क रिलेटेड टू अरिथमियाज की कंडीशन आ जाएगी। सो इसके कॉजेज क्या होते हैं, इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेड हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है, और एथलीट्स में तो देखा जाता ही है ये वाली कंडीशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप हमारा है अनक्लासीफाइड। सो एज द नेम सजेस्ट अनक्लासीफाइड, इट्स कॉजेज अनक्लासीफाइड, सिम्टम्स आर अनक्लासीफाइड। सो अ पर्सन कैन बी बोर्न विद कार्डियोमायोपैथी, पर्सन बोर्न विद कार्डियोमायोपैथी, जन्म के साथ भी उसको कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, या फिर वो डेवलप भी हो सकता है ओवर टाइम, लाइफ टाइम में भी वो एक्वायर कर सकता है इसको। देर मे बी वन और मोर हार्ट मसल डिजीज, इसमें अनक्लासीफाइड में क्या होगा, हमें क्लासीफाई नहीं होता है, डॉक्टर्स को क्लासीफाइड नहीं होता है कि इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, वन और मोर हार्ट मसल डिजीज़ प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम क्लासीफाई नहीं कर पाते प्रॉपर रीज़न क्या है कार्डियोमायोपैथी का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट इज या वी विल सी नॉर्मल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये मैंने हार्ट के डायग्राम लिए हैं कुछ, जिनसे बेटर समझ में आएगा। नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल ये हमारा हार्ट है जो नॉर्मली हमने देखा है, सबने डायग्राम भी बनाए हैं बहुत। ओके नेक्स्ट डायलेटेड, डायलेटेड में क्या होगा, डायलेटेड में जो ये वेंट्रिकल्स हैं ये डायलेट हो गए हैं, लुक ये डायलेट हो गए हैं यहाँ से, जिसकी वजह से ये हार्ट है इनलार्ज हो गया है। हमने पढ़ा था कि डायलेटेड में इनलार्ज हार्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो हार्ट इनलार्ज हो गया है इसलिए डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इसके बोला गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफिक में क्या था, मास इंक्रीज हो रहा था हमारा, थिक हो गई थी वॉल्स, जिसकी वजह से ये कंडीशन हुई थी। तो वी कैन सी हेयर दैट वॉल्स गेट थिकन, या ये बहुत थिक हो गई है लेयर्स हमारी हार्ट की, जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हुई है। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव में क्या था, जो वेंट्रिकल्स हैं वो स्टिफ हो गए थे, मीन्स जो उनकी लेयर है, ये जो लेयर है ये स्टिफ हो गई हैं, मीन्स ये हार्ड हो गई हैं, ये मूव नहीं करेंगे अपनी जगह से। अगर ये मूव नहीं करेंगे तो वेंट्रिकल रिलैक्स कैसे कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर पाएगा, जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन आएगी रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव मीन्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो रिस्ट्रिक्टिव हो गया। हाइपरट्रोफी में दैट इज़ हाइपर मीन्स ज़्यादा, ट्रोफिक मीन्स साइज और मास इंक्रीज हो जाता है उनका बहुत। डायलेटेड में डायलेशन हो जाएगा एंड नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैंने स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी आपसे डिस्कस नहीं किया, आई फॉरगेट टू राइट दैट। सो स्ट्रेस में होता क्या है, स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी में होता क्या है, इसमें ऑल्सो नोन एज ब्रोकन हार्ट, इसको हम ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं, मीन्स दैट इज ब्रोकन, दिस हार्ट विल बी ब्रोकन।
सो दिस इज़ द वीकनिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल वीक हो जाता है एंड यूजुअली अ रिजल्ट ऑफ सीवियर इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस। ये मेनली होता है बहुत ज़्यादा अगर कोई पर्सन इमोशनली स्ट्रेस्ड है या फिर फिजिकल उसको कोई स्ट्रेस है उसकी कंडीशन की वजह से ये स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द साइन एंड सिम्टम्स। सो सम पीपल विद वाइल्ड कार्डियोमायोपैथी हैव नो सिम्टम्स। कुछ होते हैं जिनको सिम्टम्स अराइज होते ही नहीं है एंड डू नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट, और उनको रिक्वायर भी नहीं होती है ट्रीटमेंट की, उनको ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। फॉर मैनी कार्डियोमायोपैथी सिम्टम्स डू नॉट अपियर अंटिल लेटर स्टेजेस ऑफ दिस कंडीशन एंड मे इंक्लूड। लेकिन कुछ में क्या होता है जो कार्डियोमायोपैथी के सिम्टम्स हैं वो बहुत लेटर स्टेजेस में, जब स्टेज बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाती है तो उस कंडीशन में ये कंडीशन में सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। सिम्टम्स यहाँ पे कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि ब्लोटिंग ऑफ द एब्डोमेन ड्यू टू फ्लूइड बिल्डअप, एब्डोमेन में फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। और नेक्स्ट इज ब्रेथलेसनेस विद एक्सर्शन, इसमें क्या होगा ब्रेथलेसनेस की कंडीशन हो जाएगी, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी पेशेंट को और रेस्ट की कंडीशन में भी हो सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि रेस्ट की कंडीशन में भी उसको सांस नहीं आता है, ब्रेथलेसनेस की कंडीशन हो जाती है, बहुत मुश्किल से सांस आता है एक्सर्शन के साथ। नेक्स्ट है चेस्ट पेन, चेस्ट पेन देखा जा सकता है पेशेंट में, कफ हो जाता है, जब भी पेशेंट लाई करेगा ले डाउन होगा लेटेगा तो उसको कफिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, डिजीनेस की कंडीशन होगी, लाइट हेडेडनेस रहेगा पेशेंट को एंड फेंटिंग की कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट है इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट इरेगुलर होंगी, उसमें क्या हो सकता है रैपिड भी हो सकती है, पाउंडिंग एंड फ्लटरिंग। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख बहुत कम लगेगी। नेक्स्ट इज स्वेलिंग ऑफ द लेग एंकल्स एंड द फुट, इसमें क्या होगा जो फिट हैं हमारे और एंकल्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाएगी। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स बहुत कॉमन थे जो कि कार्डियोमायोपैथी में देखे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज। सो हमने कॉजेज उसके टाइप्स के साथ साथ भी पढ़े हैं लेकिन हम कुछ कॉमन कॉजेज देख लेते हैं। सो डायबिटीज़ कंडीशन में हैवी अल्कोहल को यूज़ कर रहा है उस पेशेंट के उसमें भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी पेशेंट का, ये ज़्यादातर हमने पढ़ चुके हैं हम पहले टाइप्स के साथ साथ जो हमने कॉजेज किए थे उनके साथ हमने ये पढ़ लिए हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कंडीशन में हो सकता है, ओबेसिटी अगर किसी पेशेंट कोई ओबीज पर्सन है तो उसको भी ये ज़्यादा होगा, ये कंडीशन ज़्यादा देखी जाएगी। अगर कोई यूज़ ऑफ कोकीन, अगर कोई यूज़ कर रहा है ड्रग्स ले रहा है, एम्फेटामिन, ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि अगर पेशेंट लेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा ये कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या होगा। रिस्क फैक्टर्स दैट कुड कंट्रीब्यूट टू द कार्डियोमायोपैथी इंक्लूड अमाइलोडोसिस, अमाइलोडोसिस भी हमने पहले पढ़ा कि ये एक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है एबनॉर्मल प्रोटीन जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन में क्या होगा सर्टेन ड्रग्स एंड रेडिएशन ट्रीटमेंट्स फॉर कैंसर कैन कंट्रीब्यूट टू कार्डियोमायोपैथी डेवलपमेंट। कीमोथेरेपी और रेडिएशंस में कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन अराइज हो जाती है। नेक्स्ट इज क्रोनिक रैपिड हार्ट बीट, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट होगी, बहुत रैपिड होगी हार्ट बीट, क्यों स्ट्रेस की वजह से हो सकती है अरिथमियाज की कंडीशन तो उसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं जेनेटिक कंडीशन, अगर कोई जेनेटिक कंडीशन अगर किसी को है सर्टेन टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी रन इन फैमिलीज बर्थ के साथ होती है पेशेंट को। नेक्स्ट है हार्ट डिजीज, हार्ट टिश्यू डैमेज, अगर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, हार्ट मसल कैन बी डैमेज बाय द प्रीवियस हार्ट अटैक और सर्टेन इन्फेक्शंस इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट इज हार्ट वेल्व प्रॉब्लम, अगर हार्ट वेल्व में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से डेट इज कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है, एक्वायर भी हो सकती है और जिसकी वजह से रिस्क बहुत इंक्रीज हो जाता है कार्डियोमायोपैथी का। नेक्स्ट इज आयरन बिल्डअप, आयरन बिल्डअप दैट इज द बिल्डअप इन द हार्ट मसल्स इज कॉज्ड बाय एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर नोन एज
हेमोक्रोमेटोसिस। सो आयरन अगर बहुत ज़्यादा कोई पेशेंट ले रहा है तो हार्ट मसल में आयरन बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन हो जाती है। सो नेक्स्ट इज द प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, दैट इज पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी इज एन अनकॉमन फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर दैट हैपन्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी और अप टू 5 months आफ्टर गिविंग बर्थ। इट कॉजेज द हार्ट चैम्बर टू इनलार्ज एंड द मसल्स टू वीकन। सो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट इज सार्कोइडोसिस। सो दिस कंडीशन कॉजेज इन्फ्लामेटरी लम्ब्स ऑफ सेल्स टू ग्रो इन द हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स। हार्ट के अंदर और बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर लम्ब्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे सेल्स के, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा और ये कंडीशन देखने को मिलेगी, कार्डियोमायोपैथी भी इसकी वजह से हो जाएगा। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस ऑफ द हार्ट। सो टू डायग्नोज कार्डियोमायोपैथी एंड आइडेंटिफाई द टाइप, वी कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर मेडिकल हिस्ट्री एंड डू अ फिजिकल एग्जाम। सो वेन एवर जब भी हम डायग्नोसिस करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है हिस्ट्री कलेक्शन का, सेकंड स्टेप होता है फिजिकल एग्जामिनेशन का, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जो हमें लेने होते हैं वो आते हैं। सबसे पहले यही दो लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है वी देन यूज एडवांस्ड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एंड द टेक्नोलॉजी टू इफेक्टिवली डायग्नोज, इन्फॉर्म ट्रीटमेंट एंड केयरफुली मोनिटर द कंडीशन। कॉमन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स कैन इंक्लूड ब्लड टेस्ट। सो ब्लड टेस्ट में हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट में हम लेवल चेक करेंगे फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का एंड प्रोटीन का, ब्लड में क्या लेवल है उस लेवल को हम चेक करेंगे, जिसकी वजह से हम हार्ट कंडीशन को मेज़र करेंगे कि कितनी मतलब कौन सी हार्ट कंडीशन है, क्या इंडिकेट कर रहा है ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन में हम क्या करेंगे, ए लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब, एक कैथेटर होता है, मींस लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, उसको हम कैथेटर बोलते हैं। सो इस थ्रेडेड थ्रू ए ब्लड वेसल के थ्रू हम उसको डालेंगे इन द आर्म और द ग्रोइन एंड टू द हार्ट। हार्ट तक ले जाएंगे हम उसको, आर्म से डाल सकते हैं, ग्रोइन रीजन से हम उसे डाल सकते हैं। एंड कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इज इंजेक्टेड थ्रू द ट्यूब एंड अ टाइप ऑफ एक्सरे वीडियो इज टेकन टू शो हाउ द हार्ट फंक्शन एंड टू लुक द हार्ट ब्लॉकेजेस। सो इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि कहीं हार्ट ब्लॉकेज तो नहीं है। हम उसमें इंजेक्शन की हेल्प से एक एक्सरे निकालते हैं, एक्सरे वीडियो निकालते हैं, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ हार्ट फंक्शन, कहाँ पे हार्ट का फंक्शन गड़बड़ हो रखा है, कहाँ पे हार्ट ब्लॉकेज हो रखा है। ये सब चीज़ देखने के लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफिक एंजियोग्राफी, दैट इज सीटी स्कैन बोलते हैं हम इसको। दिस इज नॉन इन्वेसिव टेस्ट, कैन शो द आर्टरीज इन द एब्डोमेन, पेल्विस एंड द लेग्स। दिस टेस्ट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन द पेशेंट विद पेसमेकर्स और स्टेंट्स। जिन पेशेंट्स को पेसमेकर लगे हुए हैं, स्टेंट्स लगे हुए हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट के बारे में अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में। नेक्स्ट इज द चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, ए कॉमन इमेजिंग टेस्ट ऑफ लंग्स, हार्ट एंड एओर्टा। चेस्ट एक्सरे में हम नॉर्मल इमेजिंग करते हैं, एक्सरे निकालते हैं, कॉमनली जो हम एक्सरे बोलते हैं जिसको, इसमें लंग्स का, हार्ट का और एओर्टा का हम एग्जामिनेशन एक्सरे निकालते हैं। नेक्स्ट है कोरोनरी एंजियोग्राफी। इन द कोरोनरी एंजियोग्राफी दिस प्रोसीजर ऑफन इज डन विद कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन के साथ साथ ये किया जाता है एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर के अंदर क्या होगा वो देख लेते हैं। प्रोसीजर के अंदर डाई दैट कैन बी सीन ऑन एन एक्सरे इज इंजेक्टेड। डाई लगाई जाती है, डाई डाली जाती है इनटू द हार्ट चैम्बर के अंदर एंड द कोरोनरी आर्टरीज। सो द डाई लेट्स द फिजिशियन स्टडी ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स टू डिटेक्ट एनी ब्लॉकेज। इसमें भी हम क्या देखते हैं, इसमें भी एनी ब्लॉकेज, अगर कोई ब्लॉकेज हो रखी है ब्लड वेसल्स में हार्ट के अंदर, तो वो फाइंड आउट करते हैं ब्लड फ्लो को मेजर करके। नेक्स्ट देख लेते हैं इकोकार्डियोग्राम। सो वट हैपन इन द इकोकार्डियोग्राम, दिस अल्ट्रासाउंड एग्जाम यूजेस साउंड वेव्स टू टेक मूविंग पिक्चर्स। इसमें मूविंग पिक्चर्स ली जाती हैं साउंड वेव्स की हेल्प से ऑफ द हार्ट चैम्बर्स एंड द वेल्स। हार्ट चैम्बर्स और वेल्स की पिक्चर्स ली जाती हैं, जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी डिटेक्ट हो सकता है।
So next is the genetic testing and screening. Some type of cardiomyopathy run in families as we discussed earlier. So a genetic test can identify the condition in other family members, determine the chances of a parent passing the gene to the child, and identify hereditary cardiomyopathy before symptoms appear. सिम्टम अपियर होने से पहले ही हम हिस्ट्री कलेक्ट करके फैमिली की कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन है, पास आउट हो सकती है, कितने चांसेस है, तो उसको हम अर्लियर स्टेजेस में ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं. जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग की हेल्प से ये होता है. नेक्स्ट है MRI, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. इसमें अ लार्ज मैग्नेट, रेडियो वेव्स एंड अ कंप्यूटर आर यूज टू प्रोड्यूस पिक्चर्स ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. इसमें भी पिक्चर्स ले जाती हैं हार्ट की और ब्लड वेसल्स की, जिसमें मैग्नेट यूज़ होता है, रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं और एक कंप्यूटर यूज़ होता है. नेक्स्ट देख लेते हैं मायोकार्डियल बायोप्सी. कार्डियोमायोपैथी को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस, बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे होते हैं, जिसमें से बहुत सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं. और नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मायोकार्डियल बायोप्सी. फॉर दिस प्रोसीजर द फिजिशियन रिमूव्स अ पीस ऑफ हार्ट मसल ओफन ड्यू टू कार्डियक कैथेटराइजेशन. द हार्ट मसल इज स्टडीड अंडर अ माइक्रोस्कोप टू सी वेदर द चेंज इन द सेल्स हैव ऑक्यर्ड. दीज चेंजेस मे सजेस्ट कार्डियोमायोपैथी. मायोकार्डियल बायोप्सी में हम सैंपल ले लेंगे, हार्ट मसल का सैंपल ले लेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको डिटेक्ट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन है या नहीं है, कैसे है. सो नेक्स्ट इज स्ट्रेस टेस्टिंग. स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी के बारे में हमने पढ़ा था, तो स्ट्रेस टेस्ट भी होना जरूरी है. तो इसमें क्या होगा, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के ड्यूरिंग हम टेस्ट करेंगे स्ट्रेस. इफ़ अ पर्सन कांट एक्सरसाइज, मेडिसिन इज गिवन टू इंक्रीज हार्ट रेट. अगर पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, मेडिकेशन दी जा रही है उसको हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए, तो उस पेशेंट को स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन है. नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं प्रिवेंशन की क्या क्या हम कर सकते हैं कार्डियोमायोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए. मीन्स अभी हुआ नहीं है तो उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे. वाइल यू कांट प्रिवेंट इनहेरिटेड टाइप्स, ये तो है कि भाई हम इनहेरिटेड टाइप्स को तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमें बाय बर्थ मिले हैं. सो यू कैन टेक स्टेप्स टू लोअर योर रिस्क फॉर डिजीज और कंडीशंस दैट कैन लीड टू योर कॉम्प्लिकेट कार्डियोमायोपैथी. लेकिन हम उसके रिस्क को, डिजीज कंडीशन के होने के रिस्क को कम कर सकते हैं. सो देख लेते हैं कैसे. बैलेंस योर ब्लड शुगर. सो ब्लड शुगर को हम बैलेंस करके, इफ़ यू हैव डायबिटीज़, अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ का है, अगर आपको डायबिटीज़ है, सो वॉच व्हाट यू ईट एंड चेक योर ब्लड ग्लूकोज रेगुलरली. चेकअप करना होगा ब्लड ग्लूकोज का. टॉक टू योर फिजिशियन अबाउट मेडिकेशंस दैट कंट्रोल ब्लड शुगर स्पाइक्स. सो ब्लड शुगर हमें अपना मेंटेन रखना है. अगर ब्लड शुगर हम अपना मेंटेन नहीं रखेंगे तो उस कंडीशन में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कार्डियोमायोपैथी के. नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल. अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है तो फिर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें स्मोकिंग को स्टॉप करना पड़ेगा, ईट अ हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी रेगुलरली, मेडिकेशंस लेनी होंगी जैसे कि हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो उस तरह से हमें मेडिकेशन लेनी होगी. नेक्स्ट इज गेट रेगुलर चेकअप्स. हमें अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराना होगा क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे कि पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को अगर ये कंडीशन है तो हमें भी हो सकती है, तो रेगुलर चेकअप कराना होगा इस कंडीशन का. एंड इफ़ यू एक्सपीरियंस न्यू और चेंजिंग सिम्टम्स, अगर कोई नया सिम्टम हमें दिखाई दे रहा है बदला हुआ, या कोई साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है हमें मेडिकेशन का, तो फिजिशियन से कंसल्ट करना है इस बारे में. नेक्स्ट इज रिड्यूस योर एल्कोहल इनटेक एंड डोंट यूज़ ड्रग्स. एल्कोहल इनटेक कम करना, ड्रग्स तो यूज़ करनी नहीं होती, वो तो वैसे भी बहुत हार्मफुल होती है बॉडी के लिए. इन सब केसेस यू मे नीड टू स्टॉप ड्रिंकिंग एल्कोहल इंटायरली. कई बार क्या होता है कि आपको बिल्कुल इंटायरली एल्कोहल ड्रिंकिंग छोड़नी पड़ती है और कीप इनटेक वेरी लो, या फिर बहुत कम इनटेक उसको स्टार्ट करना पड़ता है, कंडीशन के ऊपर है. नेक्स्ट इज टेक योर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड. ये तो होता है कि भाई अगर आपको जो डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया है उसको टाइम टू टाइम लेना होगा. अगर नहीं लेंगे तो कंडीशन ऑब्वियसली अराइज होंगी, बहुत ज़्यादा
क्रॉनिक कंडीशन हो सकती है. इफ़ यू हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अ मेडिकेशन फॉर कार्डियोमायोपैथी और अ कॉजेटिव कंडीशन, बी श्योर टू टेक एज प्रिस्क्राइब. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट एंड रिकवरी ऑफ द कार्डियोमायोपैथी. सो कार्डियोमायोपैथी ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कंडीशन, द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस एंड द पेशेंट्स ओवरऑल हेल्थ. दिस ऑल आर द कंडीशन जिसपे डिपेंड करती है कंडीशन. अब मेडिकेशन हम क्या क्या ले सकते हैं. योर फिजिशियन में प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस टू कंट्रोल योर हार्ट रिदम. डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिकेशंस, लेकिन उनमें से कुछ मेडिकेशंस हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं. जैसे कि एंटी अरिदमिक मेडिकेशन. अरिदमिक की कंडीशन अराइज होती है तो उसकी वजह से हम एंटी अरिदमिक मेडिकेशंस ले सकते हैं, ACE इनहिबिटर्स ले सकते हैं एंड बीटा ब्लॉकर्स ले सकते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं हम लाइफस्टाइल चेंजेस. हमें अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करनी होंगी जिसकी वजह से हम अपनी कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन के रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं. सो चेंजेस टू डाइट एंड एक्सरसाइज कैन हेल्प रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. डाइट में चेंजेस, एक्सरसाइज वगैरह हमारी हेल्प कर सकती हैं रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में. सो योर फिजिशियन में टेल यू टू रिस्ट्रिक्ट योर इनटेक ऑफ सोडियम एंड ग्रेजुअली बिकम अ लो इम्पैक्ट लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज रूटीन. सो हमें क्या प्रिस्क्राइब करा जाता है, हमें प्रिस्क्राइब करना होता है पेशेंट को कि सोडियम कम ले, सोडियम का अमाउंट कम ले, अल्कोहल वगैरह ड्रिंक कम ले, अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करें, स्मोकिंग वगैरह अगर कोई कर रहा है तो वो ना करें. नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसकी सर्जरी क्या क्या होती है. सो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं दैट मे बी यूज्ड टू ट्रीट कार्डियोमायोपैथी. बहुत सारे सर्जरीज हैं, उनमें से कुछ हम देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज इम्प्लांटेबल कार्डियोवेटर डेफिब्रिलेटर. सो ICD एंड ICD इज इंसर्टेड अंडर द स्किन. ये स्किन के अंडर अंदर डाला जाता है एंड जस्ट बिलो द कॉलर बोन. कॉलर बोन होती है ये यहाँ नेक के पास होती है, तो यहाँ पे इसके बिलो डाला जाता है विद थिन वायर्स लीडिंग टू हार्ट. थिन वायर्स की हेल्प से डाला जाता है, बिल्कुल हार्ट के अंदर डाला जाता है. इट मोनिटर्स, ये क्या मोनिटर करता है, ये हार्ट रिदम मोनिटर करेगा, डिलीवर करेगा इलेक्ट्रिक शॉक को एंड व्हेन नीडेड. अगर इलेक्ट्रिक शॉक देने की कंडीशन होगी तो ये उसको डिलीवर करेगा. टू कंट्रोल एबनॉर्मल हार्ट रिदम. सो इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग और एट रिस्क फॉर डेंजरस अरिथमियाज, योर फिजिशियन वे रिकमेंडेड टू दिस डिवाइस. नेक्स्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन. इन रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, इन दिस प्रोसीजर अ फिजिशियन गाइड्स लॉन्ग फ्लेक्सीबल ट्यूब दैट इज कैथेटर्स थ्रू ब्लड वेसल्स टू द हार्ट. इलेक्ट्रोड्स एट द कैथेटर टिप ट्रांसमिट रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी टू डैमेज अ स्मॉल स्पॉट ऑफ हार्ट टिश्यू. अगर कहीं पे स्मॉल हार्ट टिश्यू स्पॉट बना हुआ है, स्मॉल स्पॉट बना हुआ है, तो कैथेटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं. कैथेटर की जो टिप होती है उस पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं जिसकी हेल्प से वो डैमेज कर देते हैं अगर कोई स्मॉल स्पॉट बना हुआ है हार्ट टिश्यू के ऊपर. केजिंग एन एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हार्ट रिदम एबनॉर्मल हो रही थी. सो इफ अदर ट्रीटमेंट्स आरंट कंट्रोलिंग योर एबनॉर्मल हार्ट रिदम, योर फिजिशियन में रिकमेंडेड दिस प्रोसीजर. नेक्स्ट इज सेप्टल एब्लेशन. सो वट हैपन इन द सेप्टल एब्लेशन ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ थिकेंड हार्ट मसल इज डिस्ट्रॉयड. थोड़ा सा पोर्शन हम हार्ट मसल का डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय इंजेक्टिंग एल्कोहल, उसके अंदर एल्कोहल डाल के थ्रू अ लॉन्ग थिन कैथेटर इन टू अ आर्टरी सप्लाइंग हार्ट टू दैट एरिया. हम आर्टरी के अंदर डालेंगे कैथेटर की हेल्प से. नेक्स्ट इज सेप्टल मायोक्टमी. इसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसीजर अ सर्जन रिमूव्स पार्ट ऑफ थिकेंड हार्ट मसल वॉल दैट इज सेप्टम. सेप्टम को रिमूव करते हैं दैट सेपरेट टू वेंट्रिकल्स. सेप्टम मैंने बताया था कि सेप्टम लेयर होती है जो कि टू वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है. रिमूविंग दिस इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट एंड रिड्यूस मिट्रल वेल रिगर्जिटेशन. नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइसेस. सो इसमें इज एन इम्प्लांटेबल मैकेनिकल पंप. ये मैकेनिकल पंप होता है जिसको हम डाल सकते हैं पेशेंट के अंदर.
हार्ट ट्रांसप्लांट की कंडीशन भी आ सकती है, अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन हो गई है कार्डियोमायोपैथी की, जो किसी भी सर्जरी से ठीक नहीं हो सकती है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, किसी हार्ट टिश्यू को निकालने से वो ठीक नहीं हो सकती है, तो हमें पूरा का पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। सो हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द पर्सन डिजीज हार्ट विद डोनर्स हेल्दी हार्ट। हम क्या करेंगे, जो पेशेंट का जो डिजीज़ वाला हार्ट है उसको हम निकाल के उसकी जगह डोनर का हेल्दी हार्ट इंस्टॉल करते हैं, रिप्लेस करते हैं। सो अ ट्रांसप्लांट इज़ कंसिडर्ड व्हेन हार्ट फेलियर इज सीवियर, बहुत ज़्यादा अगर सीवियर कंडीशन होती है या फिर जो हार्ट है वो रिस्पोंड ही नहीं कर रहा है किसी अदर थेरेपी को, कोई और सर्जरी हेल्पफुल है ही नहीं किसी भी कंडीशन में, तो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता है। पहले ट्राई किया जाता है कि वैसे ही काम चल जाए, बट अ गुड पर्सनस हेल्थ इज़ अदरवाइज गुड। सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कार्डियोमायोपैथी की वजह से। सो कार्डियोमायोपैथी कैन लीड टू हार्ट कंडीशंस इंक्लूडिंग ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो सकती है, इफ़ द हार्ट कांट पंप ब्लड इफेक्टिवली ब्लड क्लॉट्स मे फॉर्म इन द हार्ट एंड इंटर द ब्लड स्ट्रीम वेयर दे कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द अदर ऑर्गन्स। ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो ब्लड फ्लो को होने नहीं देगा, मीन्स अगर किसी वेसल में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो ब्लड सप्लाई कैसे होगा, जो यहाँ पे ऑर्गन्स थे उनको ब्लड कैसे ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर वही टिश्यू डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट एंड सडन डेथ, इसमें क्या होगा, कार्डियोमायोपैथी कैन लीड टू अरिथमियाज, अरिथमियाज की कंडीशन होगी दैट कुड रिजल्ट इन फेंटिंग और इवन कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हो जाएगी इफ़ द हार्ट इज स्टॉप्स बीटिंग इफेक्टिवली। अगर हार्ट ने स्टॉप कर दिया, बीटिंग स्टॉप कर दी है, पंप करना स्टॉप कर दिया है, तो उसकी वजह से सडन डेथ की कंडीशन भी हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है इसकी वजह से, व्हेन द हार्ट इज अनेबल टू पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एफिशिएंसली। अगर पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होगा ही नहीं, कुछ टिश्यूज बच गए जिनमें ब्लड सप्लाई हो ही नहीं रहा है और ब्लॉकेज की वजह से और सिम्टम्स की वजह से, तो क्या होगा, तो हार्ट फेलियर, ऑब्वियसली हार्ट फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेल्व प्रॉब्लम, वेल्व प्रॉब्लम इफ द हार्ट इज इनलार्ज, अगर हार्ट इनलार्ज हो गया है, वेल्व्स मे नॉट क्लोज प्रॉपरली, वेल्व्स क्लोज नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक फ्लो हो जाएगा, सॉरी, जिसकी वजह से बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का। सो नेक्स्ट, सो इतना ही आज के वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।